जी इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सिंगल स्टेप मॉडल जो है वो काम करता है यानी कि पिछली हिस्ट्री की वैल्यू के बेस पे आप सिर्फ एक स्टेप आगे प्रोडिक्ट करते हैं यानी कि उनतीस दिनों की बेस पे अगर तीसवा दिन प्रोडिक्ट करना है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेप मॉडल या एक दिन की बेस पे दूसरा प्रोडिक्ट करना है दैट इज सिंगल स्टेप मॉडल एज वेल आप इसी तरीके से डिफरेंट किस्म का सिंगल स्टेप मॉडल परफॉर्म कर सकते हैं अभी जो हम काम करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू मल्टी स्टेप मॉडल मल्टी स्टेप मॉडल के अंदर क्या होता है आप असल में ऑल द फीचर अक्रॉस ऑल आउटपुट टाइम्स जो है वो करते हैं, For, मतलब ये पिछली चौबीस की बेस पे आप अगली चौबीस भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं then, पिछली 23 की बेस पे अगली चौबीस भी कर सकते हैं so, आपने काम क्या करना है कैसे प्रोडिक्शन करनी है वो मैं आपको बता देता हूं अभी सबसे पहली चीज आपने विंडो जनरेट करनी विंडो जनरेट करने के लिए आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है आपका आउटपुट लेबल लेबल की विर्थ ठीक है यहां पे आप चेक करें कि लेबल की विर्थ अगर मैं यानी कि आउटपुट स्टेप में अगर ट्वेंटी फोर रखता हूँ सो आई कैन प्रोडिक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी फोर इनपुट विर्थ का मतलब है कि अपनी इनपुट कितनी रखनी है मतलब 24 की बेस पे मैं अगले 24 को प्रडिक्ट कर सकता हूं ठीक है तो लेबल में जितनी रखना हूं वो यहां पे मेरे पास आ जाएगी फिर आउटपुट स्टेप्स कितने रखने हैं यू कैन ऑल्सो अगर आप आउटपुट स्टेप एक रखते तो अगला लेबल एक ही प्रोडिक्ट होता और अगर आउटपुट स्टेप आप दो रखेंगे तो दो प्रोडिक्ट हो जाएंगे फिर इसी तरीके से आगे जितने भी आप आउटपुट स्टेप रखेंगे उस हिसाब से प्रडिक्ट होते जाएंगे तो अगर विंडो को प्रिंट करवाना हो ये विंडो जो हमने जनरेट की है विंडो जनरेटर के क्लास के थ्रू इसको अगर हम प्रिंट करवाएं या प्लॉट करवाएं तो ये इस तरीके से दिखती है हमारा इनपुट ये है ये चौबीस हमारे आउटपुट लेबल्स है ठीक है इनपुट और लेबल्स हमारे पास आ गए अब हमारा काम ये है कि इन चौबीस जो लेबल्स हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज पड़ी हैं हम प्रोडिक्ट करवा के डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू देखें कि कितना एक्यूरेट हम इनके पास पास जाते हैं ठीक है समझ आ गई बात की अब चेक करते हैं कि ये किस तरीके से हम इसके आसपास जाते हैं या किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं Let's do it. यहां पे पहला सैतालीस आ रहा है ठीक है जीरो से होगा इसी वजह से ये तेईस आ रहा है तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है पाइथन के अंदर तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे आप पिछलों की बेस पे अगलों को प्रोडिक्ट कर रहे हैं पिछले चौबीस की बेस पे अगले चौबीस प्रोडिक्ट हो रहे हैं मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है way, ये सिंपल सिंपल आपका मॉडल है जिसके अंदर आप इस तरीके से चीजों को कंपाइल कर रहे हैं और आपके पास मल्टी स्टेप लास्ट बेस लाइन के बेस पे ये क्लास क्रिएट की गई है जिसके अंदर आप टी एफ डॉट टाइल का फंक्शन यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि पिछले जितनी भी आपकी चीजें आ रही हैं वो टाइल वाइज आगे मूव करती जाएंगी एंड देन आपके पास रिजल्ट आएंगे तो बेस लाइन फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से प्रोडिक्शन दे रहा है विच इज क्वाइट स्ट्रेट कोई खास नहीं है ये आपको सिंपल सिंपलेशन की तरह ही रिजल्ट दे रहे हैं सिंगल शॉर्ट मॉडल को देखते हैं सिंगल शॉर्ट मॉडल क्या करता है एक ही दफा सभी को प्रडिक्ट कर देता है यानी कि आपने चौबीस दिए वो वेट किए बगैर दे तरह की प्रोडिक्शन स्टार्ट हो गई है जीरो से ऑनवर्ड ठीक है तो इस तरीके से आपके पास कुछ रिजल्ट जो हैं आ जाएंगे लाइक like, यहां पे अगर आप देखें तो सिंगल बेस मॉडल इस तरीके से काम कर रहा है अगर आप चाहें कि वेट इट समथिंग नो इट्स फाइन यहाँ पे ये यह है सिंगल शॉट मॉडल दैट वाज एक्चुअली बेस मॉडल और इसकी बेस पे हम 24 को प्रोडिक्ट करके हैं वन बाय वन करके भी और 24 को प्रोडिक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम भी अब हम देखते हैं सिंगल शॉट मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा था सिंगल शॉट मॉडल्स क्या करते हैं आप चौबीस के चौबीस की वैल्यूज और उनके वेट्स और बाइसिस को एक दफा कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यू ट्रेन अ मॉडल और फिर मॉडल जो है वो इकट्ठा एक, एक ही दफा अगले चौबीस को प्रोडिक्ट करता है एंड कीपिंग इन माइंड कि आपके पास 24 के लेबल्स भी पड़े होंगे ठीक है तो ये इसको हम सिंगल शॉर्ट मॉडल कहते हैं इससे इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि आप सिंपली एक सिक्वेंशियल लेयर बनाते हैं और लैमडा फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं टू मेक द बेसलाइन लेयर जो सबसे पहली लेयर होती है जिसके अंदर आपने बताना होता है कि कितनी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने इनपुट की साइज आपका क्या है फिर आप आउटपुट स्टेप क्योंकि 24 है आपके तो आप उसके साथ नंबर ऑफ फीचर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है थीके? अगर नंबर ऑफ फीचर्स आपका एक है तो आउटपुट स्टेप आपके कितने होंगे चौबीस ही अगर दो नंबर ऑफ फीचर्स हैं तो आपके पास अड़तालीस हो जाएंगे ठीक है तो ये फीचर्स के साथ आपकी डेंस लेयर बनती है एंड देन ये आपको कुछ इस तरीके से प्रडिक्शन देते हैं विच इज क्लोजर देन अदर मॉडल्स जो हमारे पास बेस मॉडल था यहाँ पे बेस मॉडल से कदरे बेहतर है ये बेसलाइन मॉडल का रिजल्ट है ये भी बेस मॉडल का रिजल्ट है ठीक है जहां पे रफड़ भरा हुआ है कभी ऊपर कभी नीचे बट अगर सिंगल शॉट मॉडल देखें ये बेहतर है बट स्टिल नॉट रियली टू टू बी लेट्स सी जो हमारे पास डेंस लेयर का मॉडल है मतलब वही कह कहरास कि डेंस लेयर यूज करेंगे एंड अगेन कंपाइल करने के बाद मॉडल आपके पास कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग आ जाएगी फिर आप सी को भी यूज कर सकते हैं इसके तरीके से जो हमने पहले यूज किया सी को वो वही चीजें सारी हैं सिर्फ हमारे पास कौन सी चीज चेंज की है हमारे पास एट द एंड आउटपुट लेबल चेंज किए हैं बाकी सारा कोड वही का वही होगा ठीक है आउटपुट लेबल चेंज किए हैं और यहाँ पे जो हमने कॉन्वल्यूशन की लेयर रखी थी थ्री की कॉन्वल विथ्थ जो हमने मैंने बना मैंने आपको बताई थी वो यहां पे भी कॉन्वल्यूशन तीन तीन करके ही आगे मूव करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कॉन्वल्यूशन विथ्थ थ्री है और इनपुट आपका कितना है चौबीस तो तीन आठ बार चौबीस आठ दफ़ा कॉन्वल्यूशन लेयर चलेगी इट विल बी फाइन अगर आपकी पच्चीस या तेईस लेयर हो तो तेईस आपका इनपुट फीचर इनपुट जो वैल्यू है हो तो क्या होगा एंड पे एक बच जाएगा एंड दिस थिंग गिव्स यू एड तो आपकी कॉन्शन लेयर उसका मल्टीपल होना चाहिए जो आपका इनपुट विट है ताकि उनको मिला मिला के वो आगे चलता है Then, आपके पास सी एन एन कुछ इस तरीके से काम करेगा विच इज नॉट स्टिल आर एन एन जो है, Recurrent Neural Network है ये सेम वो ही काम करेगा। पहले हम एक को प्रडिक्ट कर रहे थे अब हम चौबीस को कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लास्ट पे आउटपुट दैट शुड बी इक्वल टू कितनी होनी चाहिए वो आउटपुट स्टेप्स के इक्वल होनी चाहिए ठीक है तो उसको हम रीशेप भी करते हैं बाद में सो इट विल गिव अमथिंग लाइक दिस फिर हमारे पास आर एन एन आ गया अगेन एंड देन ऑटोडिग्रेसिव मॉडल हम करते हैं ऑटोडिग्रेसिव के अंदर क्या होगा कोड को समझे बिना पहले आप देख लें कि जिस चीज पर हम बात करते हैं ऑटो डिग्रेसिव ये होगा कि आप पिछले चौबीस की बेस पे पहले को प्रोडिक्ट करेंगे इसको फीडबैक दे देंगे डेटा के अंदर फीड कर देंगे फिर इन चौबीस की बेस पे अगले को प्रडिक्ट करेंगे उसको भी डेटा के अंदर फीड कर देंगे फिर अगला प्रडिक्ट करेंगे उसको भी डेटा के अंदर फीड कर देंगे जिससे क्या होगा आपका आने वाला लेबल का जो प्रडिक्टेड आपके पास वैल्यू है वो भी उसके अंदर ऐड होती जाएगी जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी ऑटोर मॉडल के अंदर और सिंपल एल या ऑटो रिग्रेसिव के अंदर फर्क ही ये है कि आप बेसिकली अपना फीडबैक मॉडल बनाते हैं फीडबैक मॉडल क्या होता है कि आप वैल्यू लें और उसको डेटा के अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाए और बेसिकली यही वजह होती है कि आप इसके लिए प्रॉपर एक फंक्शन भी बनाते हैं फीडबैक का ठीक है एंड देन यू एड बैक टू द वैल्यूज जिससे आपके पास इस तरीके से रिजल्ट आ जाते हैं सो एट एंड आपके पास

LSTM का रिग्रेसिव नहीं है। जो मैंने आपको उस दिन भी बताए थे रिग्रेसिव की के तो यूज करते हैं uh, यहाँ पे एल एस टीएम को एल एस टी एम के थ्रू जो मॉडल आपको वैल्यू देता है आप उसको फीडबैक कर रहे हैं सिंपली मोर देन दैट तो बेसिकली आप एल एस टी एम को ही लगाएंगे और फीडबैक को आप ऐड करते जाएंगे उसके अंदर डेटा के अंदर अब स्टिल I know के आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि वैल्यूज हैं वो आपकी यहाँ पे ठीक आई हैं लेकिन still working fine तो इसका मतलब यह है कि इसीलिए सी एन एन का बन सकता है ऑटो रिग्रेसिव मतलब ये सी एन एन से कोई वैल्यू प्रोडिक्ट करें फीडबैक लगा दें उसपे इसका मतलब ये कि हर एक चीज हर एक मॉडल हर एक टाइम सीरीज के अंदर हर किसी चीज़ का आप ऑर्डर से बना सकते हैं चीज मिसाल के तौर पर किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के बाद उससे प्रोडिक्शन लें फीडबैक के थ्रू वापस लगा दें फिर प्रोडिक्शन लें फीडबैक के थ्रू वापस लगा दें ठीक है तो इस तरीके से आपका ये मॉडल लगता है लेकिन स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपके पास काफी अदर मॉडल्स भी हैं अरेमा का मैंने आपको बात की थी पहले उसके अंदर क्या होता है मूविंग एवरेज भी साथ आप ऐड करते जाते हैं तो उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे लेकिन पहले इसको हम देख लें कि ये जो हमारे पास एक नोटबुक है इससे हमें कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ हमारी रह गई आई नो दैट बिकॉज दिस इज एन एडवांस नोटबुक, जो चीजें हमें क्लियर हुई हैं मैं उनको गिनती गिनवा देता हूं आपको सबसे पहली चीज ये है कि टाइम सीरीज का डेटा जो है ये या तो ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करती हैं या इंडस्ट्रीज इकट्ठा करती हैं या ये ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं जो इकट्ठा करते हैं एक ह्यूमन अकेला इंडिविजुअली टाइम सीरीज का डेटा अपना ही इकट्ठा कर सकता है मैं कितने बजे उठा कितने बजे सोया लेकिन एक बड़े लेवल पे आप डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते अपना डेटा कलेक्ट प्राइमरी डेटा की बात कर रहा हूँ सेकेंड ये जब आप टाइम सीरीज के डेटा पे काम करते हैं तो डेटा की क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है हमने इस एक एग्जाम्पल में ये देखा है कि डेटा सेट जो है अगर वो जर्मनी का है मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट का तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है तो उस पर हम अच्छा काम कर रहे हैं अगर यही डेटा सेट किसी ऐसे कंट्री का हो जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग बस बैठे एक्सेल भी कर रहे हैं अभी तक आई एम जस्ट से तो आप खुद सोचें कि क्या वो डेटा क्रेडिबल होगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है उसके अंदर तो आप बजाय इसके कि अपनी एनर्जी उसको डेटा को क्लीन करने पे लगाएं इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बेस्ट रिसोर्सेज जो दुनिया में मौजूद है उनका डेटा सेट लें जैसे क्लाइमेट का डेटा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो देती हैं नासा सेटेलाइट का इमेजरी का डेटा बहुत ज्यादा फ्री में दे रहा है ठीक है एम जैसे बड़े बड़े जो यू मशीन लर्निंग की उस दिन मैंने आपको दिखाई है उसके ऊपर बड़े बड़े डेटा सेट बढ़े हैं फिर आपका डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका काम है तो एफ का बहुत बड़ा डेटा है फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी का डेटा इन्वायरमेंटल साइंसिस का बहुत बड़ा डेटा बेस बढ़ा हुआ है जो ओरिजिनली दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेटा बेस बना के इकट्ठा कर रही है आप डेटा वहां से लें ठीक है हाँ अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका डेटा आपके पास है तो ऑब्वियसली आपको क्लीन भी करना पड़ेगा उस पर काम भी करना पड़ेगा ट्रेन भी होना पड़ेगा तो ये एक दिन का काम नहीं होता एक साल डेढ़ साल लग जाता है एक डेटा को क्लीन करके उससे प्रोडिक्शन लेके एक मॉडल प्रिपेयर करने में और ये जो मशीन लर्निंग बैठे इंजीनियर बैठे होते हैं ये ऐसा नहीं है कि दस पंद्रह दिन के अंदर ही मॉडल बना के आपको दे देते हैं अगर ऐसा हो तो इसको इनको रखे कौन कौन सी कंपनी रखे जब उनका मॉडल ही बन गया समझ रहे हैं बात को सो इट टेक्स टाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आपका डेटा आता रहता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता फिर आगे जाता है सेकेंड चीज डेटा जितना मर्जी साफ सुथरा हो स्टिल देयर आर सम वीक पॉइंट्स इन दैट डेटा जिसको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं हमें क्लीन करना है उसकी स्ट्रिंग्स उसकी वैल्यूज सभी चीजों को हमने देखना है यूनिट्स को यूनिफाई करना है कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने देखना है कि कल्चर किस तरीके से चलता है मतलब ये कि अगर अमेरिका के अंदर मैट्रिक यूनिट्स नहीं चलते डिफरेंट यूनिट्स चलते हैं तो मेट्रिक सिस्टम नहीं है तो यू हैव टू फाइंड आउट के वो वहां पे क्या क्या यूज़ करते हैं फिर अक्सर औौकात डिफरेंट चीज़ों के स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं और वो आपको नहीं पता अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर फ़र्क होता है तो आप समझते हैं कि ये फलान जगह का डेटा है तो इसमें तो ये स्पेलिंग की गलती है आप उसको करेक्ट करने ना बैठ जाए आपको पता होना चाहिए कि एस और जी कहाँ पे यूज़ होता है और यूनिट्स के नाम जो हैं अक्सर अवकात वो डिफरेंट तरीके से आ रहे होते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता डिग्री फॉरन हाइट और मैंने डिग्री सेंटीग्रेड का आपको बताया तो जब आपने कहीं पर रिपोर्ट देनी है उन कल्चर की नॉर्म्स को पढ़ें ठीक है एक इसकी एक और बात मैं बताता हूँ आप पाकिस्तान में बैठे हैं अगर आप बताएंगे ना लोगों के आपकी जो गाड़ी है वो दो माइल्स पर आवर जो है वो आ, नहीं आठ माइल जो है वो कट लेती है एक लीटर के अंदर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ वो बेचारे दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे ये किलोमीटर और माइल में क्या फ़र्क है सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव दैम रिपोर्ट इन किलोमीटर्स क्योंकि वहाँ पर कल्चर है उसका सो ये चीज़ें माइंड में रखें फिर जब आपके पास डेटा क्लीन हो जाता है अपना पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपने किस चीज को प्रोडिक्ट कर सकते हैं रैंकिंग लेकिन उन्हें प्रेशर किया यहां किया और रेलेटिव ह्यूमिडिटी की जब आप उन्हें प्रोडिक्ट करें तो बेस सिंगल स्टेप मॉडल से स्टार्ट करें फिर मल्टी स्टेप मॉडल पे जाए फिर आप आगे, आगे पे जाए डायरेक्टली ऑटो एग्रेसिव पे कभी भी ना जाए ठीक है अब जब आप ये सारे मॉडल कर रहे हैं फिर इनका कंपैरिजन जरूर दें ये आपको नोटबुक मैंने जानबूझ के करवाई है उसकी रीजन ये है कि यार इसके अंदर कंपैरिजन भी है कोड्स भी पढ़े आप सिर्फ डेटा कोई और उठाएं सारे यही रूल्स अप्लाई होंगे कोड आपके पास बने बनाए विंडो जनरेटर बना बनाए ठीक है सो यू कैन वर्क विद दिस थिंग फिर इसके बाद आप जब आपका मॉडल एक ट्रेन हो जाता है यू स्टिल कैन यूज सम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो इनशाला आपको दिखाऊंगा अभी नहीं मतलब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर के हाइपर पैरामीटर ट्यून कैसे किए जाते हैं फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस और डेटा को स्केल करना ना भूलें स्केल नहीं होगा ना तो आपके पॉइंट कहीं पे हो रहे होंगे और आपने कहीं पे दिखाए हो सो दीज आर थिंग्स जो आपको याद रखनी है शफल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ना हो कि आप कहें कि पहले सत्तर फीसद कोई भी उठा लो भाई वो तो खराब हो जाना ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की तो कमांड ही नहीं लगती इस पे यू हैव टू डिड कितनी रोज आपकी ट्रेन है टेस्ट है और फिर वेलिडेशन कितना है ठीक है ये तीनों चीजें आपने रखनी है एंड एट दी एंड जब आपने कंपेरिजन देना है आप टेस्ट और वैलिडेशन दोनों का देंगे ठीक है और रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन फंक्शन एट दी एंड कोई भी नहीं लगना होता है इसमें ठीक है एंड वाली लेयर में कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता है इसमें अगर होगा तो वो लीनियर होगा इफ यू टू यूज दैट सो इसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स तो जो हमने ऑलरेडी क्लियर किए विंडो साइजिंग का आपको पता होना चाहिए आपको मॉडल का पता होना चाहिए जो यूज़ कर रहे हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ना तो उसको ड्रॉ करते जाएं अपने पास कि मैं पिछले 24 वैल्यू की बेस पर पच्चीसवीं कर रहा हूँ उसको ड्रॉ कर लेना एक पेज पर तो आपको याद रहेगा कि मैंने इस मॉडल का ये नाम रखा है कि मैंने चौबीस की बेस पे पच्चीसवीं प्रडिक्ट कर एंड टाइम सीरीज कैन देन हेल्प यू अलॉट तो टाइम सीरीज से रिलेटेड अब हम डेटा सेट देखेंगे ऑनलाइन और उन डेटा सेट्स में से आप अपनी मर्जी के चूज करें ठीक है